तो ये रही रूल्स, ठीक है। देखो पत्थर की तरह ट्रीट है ये, देखे म्याओं की क्रीमी ट्रीट बहुत। वैसे आप कौन सी खाओगे? मैक्स, बहुत सोचने के बाद मैक्स ने म्याओं खाई है। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शावेस खान और आप देख रहे हैं फ्लफी कट्स। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने इस वाली ड्रूल्स का रिव्यू करा था, और जिसने नहीं देखा वो देख ले। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं म्याओ क्रीमी ट्रीट और ड्रूल्स की क्रीमी ट्रीट का। तो दोस्तों देख लीजिए आप, ये रहा आज दूध का दूध पानी हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या परचेज़ करना चाहिए। अगर हम MRP देखें तो दोस्तों ड्रूल्स की जो क्रीमी ट्रीट की, एक क्रीमी ट्रीट की जो MRP है वो लगभग आपको पड़ेगा 20 रुपीज़ का, ठीक है। जो म्याओ है वो आता है 4 के पैकेट में, तो ये 100 रुपये का पैकेट आता है, तो आपको 25 रुपये की एक पड़ने वाली है। 5 रुपये का डिफरेंस है इन दोनों क्रीमी ट्रीट्स में, ठीक है। ये थाईलैंड की है म्याओ, और जो ड्रूल्स है वो है हमारे इंडियन प्रोडक्ट। अब देखते हैं 5 रुपये में आपको कितना डिफरेंस मिलना चाहिए, और क्या 5 रुपये के लिए आपको ड्रूल्स की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको म्याओ ही परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अम्मी, ये हमारी होस्ट है अम्मी, आज ये हमारी हेल्प करने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है। तो दोस्तों ये हम पहले खोल रहे हैं ड्रूल्स की ट्रीट, ठीक है। ये हमारी कैट्स आ गई हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों, यहीं बैठी हैं ट्रीट के इंतज़ार में। तो दोस्तों जैसे कि आपने पहले भी देखा था, जो ड्रूल्स की ट्रीट है वो दरअसल ट्रीट है ही नहीं। इन्होंने जो जेली फूड, इनका ग्रेवी फूड आता था, उसे ही इस वाले पैकेट में डाल दिया है, और इसे ट्रीट का नाम दे दिया, क्रीमी ट्रीट का। अब हम देखो इसे दबा रहे हैं, ठीक है, ये निकल ही नहीं रही है, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये बड़ी मुश्किल से निकली है, और ये देख लीजिए आप, कैट खा रही है, देखो, लेकिन देख रहे हो कितनी टाइट है ये, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ म्याओं को खोलते हैं, सिर्फ 5 रुपये का डिफरेंस है, सिर्फ 5 रुपये का एक ट्रीट में, ठीक है। अब दोस्तों ये इसका टेक्सचर देखना कि इसका टेक्सचर कैसे है, ब्राउनी। ये देखो दोस्तों, ये देखो क्रीम की तरह आएगी, और कैट बस एक जुबान लगाएगी, गायब, ठीक है। अब मैं इसको ना आपको एक बॉल में भी करके दिखाता हूँ, जिससे आपको सही अंदाज़ा हो जाए कि क्या डिफरेंस है, क्या मैं बोलता हूँ जो आपको असली में ऑन कैमरा दिखे डिफरेंस। तो दोस्तों ये रही रूल्स, ठीक है। देखो पत्थर की तरह ट्रीट है, ठीक है। अब एक तरफ हम निकालते हैं म्याऊ। देखो अब दोस्तों सबने मुझे घेर रखा है, बड़ी मुश्किल से बचा बुचू के निकालनी पड़ रही है। ये देखिए म्याओं की क्रीमी ट्रीट बहुत मक्खन की तरह निकले हैं, आप दोनों में टेक्सचर में डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखो ये क्रीमी ट्रीट है म्याओं की, वाइट कलर की जो है, ठीक है, साफ पता चल रहा है ये अच्छे इंग्रेडिएंट से बनी है। इसमें मीट का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो फिश हो या फिर हो चिकन। अब ये देखो मैंने टच करा, और ये देखो मेरे हाथ पे आ गई, ठीक है। अब ये है ड्रूल्स, साफ पता लग रहा है ये चिकन लिखते हैं, लेकिन ये लीवर है, ठीक है। इसका कलर ब्राउन है, ठीक है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसके रिव्यू में बता रखे हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो मुझे पसंद नहीं आए थे। अब मैं इसे टच करता हूँ, ये देखें आप, देख रहे हैं ये इसका टेक्सचर है, ऐसा लगता है जैसे ड्राइनेस सी है, और मतलब बहुत हार्ड है ये। तो दोस्तों ये हम दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे हाथ में ये दोनों ट्रीट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारी कैट्स को कौन सा पसंद है, ठीक है। थोड़ा सा निकालते हैं, ये देखो मुझे हाथ से मांग रही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा निकालते हैं दोनों में से, ठीक है, फिर देखते हैं कि कैट को कौन सा खाएगी कैट हमारी। ये देखो थोड़ा सा हमने ये निकाल दिया, और थोड़ा सा ये निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा निकाला है, ठीक है। इशू से टेस्ट करवाते हैं, इशू ये इशू ने खाई है म्याओ की क्रीमी ट्रीट, ठीक है। अब हम मैक्स से टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि मैक्स को ये ड्रूल्स की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और मैक्स ना ही खाता, ठीक है। ये देखो हमने दोनों निकाली है। वैसे आप कौन सी खाओगे? मैक्स, बहुत सोचने के बाद मैक्स ने म्याओ खाई है। तो दोस्तों अगर मैं सच बताऊँ आपको, 5 रुपये के चक्कर में आप ड्रूल्स की तरफ जा रहे हो, तो पैसा बर्बाद कर रहे हो अपना, क्योंकि मैं इसे दूसरा टेस्ट चेक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
ये देखो हम आ गए किचन में अपने, ये हमने सीजर लिया, ठीक है हमें पकड़ना जरा इस वाली ट्रीट को, ट्रीट को पकड़ लो, ठीक है अब ये देखो दिखाता हूँ इसमें असली में होता क्या है। ये कर लिया जी हमने कट आगे से, ठीक है अब देखना इसके अंदर से क्या निकलता है और आप खुद ही बताना क्या ये ट्रीट है या फिर ये मियाओं का जेली फूड है। अब बताएं आप, मियाओं का ग्रेवी फ्रूट फूड बिल्कुल सेम ऐसे ही आता है इसी टेक्सचर में। ये देखो, ये देखो, और ये बोलते हैं कि क्रीमी ट्रीट है, भाई ये क्रीमी ट्रीट नहीं है, ये ग्रेवी फूड को ही उन्होंने क्रीमी ट्रीट करके इस वाले पैकेट में डाला, क्रीमी ट्रीट लिखा, 5 रुपये पड़ा है और भेजना शुरू कर दिया। 40 रुपये का बहुत बड़ा पैकेट आता था इसका, ठीक है और अब ये आ रही है देखो 15 ग्राम में, ठीक है वो आती थी कम से कम 50 ग्राम 40 रुपये में। तो दोस्तों ये रूल्स कंपनी हमें लूट रही है सरासर, ठीक है टेस्ट सही है इसका लेकिन क्रीमी ट्रीट अगर हम देखें ना तो असल में क्रीमी ट्रीट यही है, ठीक है अब देखो जो हमारा मैक्स है वो असली क्रीमी ट्रीट ही खाता है, वो नहीं पसंद करता कोई नकली क्रीमी ट्रीट खानी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, सबको यही पसंद है दोस्तों, सबको यही पसंद है। और ठीक है 5 रुपये में कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो अपनी कैट्स को अच्छी ही चीज़ खिलाओ। और दोस्तों ये भी बात ध्यान रखें जो क्रीमी ट्रीट होती है ना वो ट्रीट के तौर पे ही खिलाई जाती है, ठीक है मतलब दिन में एक, अगर आपके पास एक कैट है, ये नहीं कि आप दिन में से पेट भर के ट्रीट ही ट्रीट दे रहे हैं, उससे आपके कैट को नुकसान हो सकता है, ठीक है ये, और इसमें पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं होता, तो आप इसको एक ही दें एज ए ट्रीट खाना, ये ना सोचें कि आपने ट्रीट दे दी तो खाना भी हो गया, ठीक है खाना अलग से देना पड़ेगा आपको। देखिए कितने शौक से खाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन, आई होप कि आपको डिफरेंस पता लग गया होगा क्वालिटी में, 5 रुपये के डिफरेंस में। ये थाईलैंड का इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है और ये है हमारे इंडिया का ड्रूस, ठीक है 5 रुपये का, अगर इसमें होता ना यार ये 5 रुपये की ट्रीट होती तो मैं इसे अच्छा कहता, कंसीडर भी करता, लेकिन ये 20 रुपये की मिलती है जो कि बकवास है। मैं पूरा डब्बा लाया था, ठीक है ज़बरदस्ती खिलाया, ये है शानदार ट्रीट। अगर आपको ट्रीट अपनी कैट को वाकई में देनी है तो आप क्रीमी ट्रीट परचेज़ कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।